हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई एक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। और इस वीडियो पे मैं रिएक्शन जो है कल ही देने वाला था, पर कल मैं शाम को जो लाइव आया था संडे को, और उसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम चला गया तो मुझे टाइम नहीं मिला। और कल मैं लाइव आया था और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने कल की लाइव वीडियो में दिया है, तो वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे क्वेश्चन है तो आप वो वीडियो दे सकते हैं। और अब इस वीडियो की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही एक बड़ा ही मतलब इनफेमस सा इंसिडेंट हुआ था। आप सभी को पारस सिंह तो याद ही होंगे। पारस सिंह, अगर जिनको नहीं याद है, मैं उनको थोड़ा सा जो है ब्रीफ कर देता हूँ। पारस सिंह एक गेमिंग यूट्यूबर हैं, उनका एक गेमिंग जो है चैनल है। तो उन्होंने अपनी एक वीडियो पे अरुणाचल प्रदेश की और वहाँ के एक एमएलए हैं तो उनकी इंसल्ट कर दी थी। सिर्फ एमएलए की नहीं, जो वहाँ के जो एमएलए हैं सिर्फ उनकी इंसल्ट नहीं करी थी, अरुणाचल प्रदेश की भी की थी और वहाँ का जो कल्चर है उसकी भी करी थी। तो ये वाला जो इस मतलब ये वाला जो पूरा इंसिडेंट था तो उसको बहुत ज़्यादा वो मिला था, मतलब लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। मैंने भी उस पर एक जो है वीडियो की थी। तो उसकी तो अब वो जो है पारस सिंह है वो अब फ़िलहाल तो जेल में है, उनको 6 दिन की जेल में दी है। अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने उनको जो है अरेस्ट किया है। पहले तो जो है पंजाब पुलिस ने किया था, फिर उनके बाद शायद अरुणाचल प्रदेश पुलिस को हैंड ओवर किया गया। तो उनको अपने किए की सज़ा मिल गई है और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ऐसे रेसिस्ट कमेंट को और ऐसी रेसिस्ट आइडियोलॉजी को। पर इस पूरे इवेंट के दौरान एक अच्छी बात हो रही है। कहते हैं ना, हर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो इसका इससे भी एक अच्छा आउटकम जो है निकल के आया। पहले तो ये कि अब पारस सिंह एक एग्ज़ाम्पल बन गए हैं कि अगर कोई ऐसी रेसिस्ट वाली बात इंडिया में करेगा तो उसको सजा तो होगी। ठीक है, पारस सिंह ने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया है अपने आप को कि भाई देखो मैंने ऐसा बोला था और मेरे साथ ये हो गया। और दूसरी ये अच्छी बात हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री और कल्चर उसको NCERT बुक्स में, यानी CBSE की बुक्स में अब जो है वो डालने की मांग हो रही है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं फुली सपोर्ट करता हूँ उसे और ये काम बहुत साल पहले ही हो जाना चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जैसा कि आप लोगों को जो है पता ही होगा, अगर आप जो है CBSE से जो है पढ़े हैं तो CBSE की हिस्ट्री बुक्स में नॉर्थ ईस्ट का जिक्र ना के बराबर का, मतलब नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री कल्चर के बारे में है ही नहीं। होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा, ज़्यादातर जो है मुगल्स के बारे में है। और ये बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत सालों से ये डिबेट चलती आ रही है कि जो NCERT की हिस्ट्री बुक्स है वो ठीक से बैलेंस्ड नहीं है। ऐसे बहुत से राजा हैं, ऐसे बहुत से इवेंट्स हैं जिनका जिक्र हिस्ट्री बुक्स में है ही नहीं, जो कि होना चाहिए था। ज़्यादातर जिक्र मिलेगा जो है मुगल पीरियड के बारे में। तो ये बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक है, पर ये बात बहुत कम लोग ही बोलते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट का तो जिक्र ही जो है ना के बराबर के बारे में, मतलब ना के बराबर है। तो अब इस इंसिडेंट की वजह से मांग हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री और कल्चर NCERT बुक्स में डाला जाए, ताकि पूरे इंडिया के बच्चे को नॉर्थ ईस्ट के बारे में बचपन से ही नॉलेज हो। ठीक है, क्योंकि ये रेसिज्म जो होता है वो ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का जो कल्चर कैसा है, हिस्ट्री कैसी है। तो अगर ये बचपन से ही जो पढ़ाई जाएगी तो रेसिज्म काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलिए बाकी इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद हम करेंगे अपनी बातें। और ये वीडियो जो है पैथ फाइंडर चैनल की है, और इसमें जो जिनकी ये वीडियो है डॉक्टर महिपाल राठौर, वो UPSC की तैयारी करवाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, तो इनकी सारी वीडियोस बड़ी इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक होती है। तो फटाफट वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे अपनी बातें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1, 2, 3। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर।
उत्तर पूर्व भारत के हिस्ट्री और कल्चर को एनसीईआरटी की किताबों में शामिल किए जाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के पीछे रीज़न क्या है? हाल ही में एक घटना हुई थी जहां पर एक यूट्यूबर ने उत्तर पूर्व भारत के एक पॉलिटिशियन पर कुछ टिप्पणियां करी थी, तो ये पूरा मामला अभी चर्चा में क्यों है और आखिर नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री और कल्चर को किताबों में शामिल किए जाने की क्या आवश्यकता है, इसको हम जानेंगे इस लेक्चर में। आज यानी कि 4 जून को नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के कई यूनियन एक ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं जिसके तहत वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में एक चैप्टर ऐड किया जाए उत्तर पूर्व भारत पर। तो उनका जो कैंपेन है इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मैटर्स या फिर अ चैप्टर फॉर नॉर्थ ईस्ट, और इनकी डिमांड है कि जितने भी उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं जिनको हम दोनों ही पर सेवन सिस्टर्स कहते हैं और उसके अलावा एक सिक्किम भी है, तो इन राज्यों के बारे में इन किताबों में जानकारी ऐड करी जाए, क्योंकि अभी ना के बराबर जानकारी इन किताबों में हिस्ट्री की या फिर सोसाइटी की जो बुक्स होती हैं स्कूल्स में चलती हैं उनमें दे रखी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी है। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ इज माई हैंडल, एंड इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा pathfinder_upsc टेलीग्राम चैनल पर। एनसीईआरटी की किताबों में उत्तर पूर्व के इतिहास पर चैप्टर ऐड करने की डिमांड लगभग 30 स्टूडेंट संगठन ने मिलकर करी है। बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा भारत के दूसरे हिस्सों में भी, जैसे कि दिल्ली, बेंगलुरु या अन्य शहर जहां पर उत्तर पूर्व के भारत के छात्र पढ़ाई करने जाते हैं। इन सभी संगठनों ने मिलकर ये डिमांड रखी है और इनका यही कहना है कि कम से कम एक चैप्टर तो होना ही चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, उत्तर पूर्व भारत एक काफ़ी बड़ा इलाका है, आबादी के अनुसार शायद ये इतना बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए कई बार इसको लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इट्स अ लार्ज एरिया, ज्योग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स एरिया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कल्चर्स हैं, संस्कृति हैं, कई सारी भाषाएं हैं, एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। एक राज्य के अंदर दसियों भाषा आपको सुनने को मिल जाएंगी, तो इतना वेराइटी ऑफ कल्चर और हिस्ट्री जब आप देखते हैं तो इसको शायद एक चैप्टर में समेट पाना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं वो रेशियली थोड़े से उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों से अलग दिखते हैं, और इसी फेशियल फीचर्स को कहा जाता है मंगोलॉइड फीचर्स, तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इसको मंगोलॉइड फीचर्स कहते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये जो मंगोलॉइड फीचर्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों में, उसके कारण इनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है और कई बार रेसिस्ट टिप्पणियां भी करी जाती है जो पूरी तरह से गलत हैं। तो इसीलिए ये डिमांड आई है कि वी नो यू बट डू यू नो अस, हम आपके बारे में जानते हैं लेकिन क्या आप हमारे बारे में जानते हैं या नहीं। अब ये समस्या कई दशकों से रही है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो छात्र हैं, खास करके जब वो पढ़ने जाते हैं देश के दूसरे हिस्सों में, तो उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है, उन पर कई टिप्पणियां करी जाती है, उनको कहा जाता है कि आप तो भारत से नहीं हैं, आप चाइना से हैं, उस देश से हैं, तो इस प्रकार की टिप्पणियां पूरी तरह से गलत है। इसी प्रकार का एक काफ़ी पब्लिसाइज्ड मामला 2 हफ्ते पहले भी हुआ था, जब एक यूट्यूबर जिसका नाम है पारस सिंह, ही इज़ फ्रॉम पंजाब, तो पारस सिंह ने एक एमएलए पर टिप्पणी करी थी, और ये एमएलए कौन है? अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस एमएलए, सिटिंग कांग्रेस एमएलए हैं निनोंग एरिंग। अब निनोंग एरिंग जो है वो ना केवल एक एमएलए हैं बल्कि पूर्व में भारत सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, यूपीए सरकार के दौरान ये एक स्टेट मिनिस्टर थे। तो निनोंग एरिंग ने कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री के नाम पर, और उन्होंने ये कहा था कि पिछले साल जब भारत और चाइना के बीच में गलवान वैली क्लैश हुआ था, उसके बाद कई सारी चाइनीज़ गेमिंग ऐप्स को जब बैन किया गया, उनमें से कुछ ऐप्स, खास करके जो पबजी वाली ऐप है, वो दूसरे नाम से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। तो ये गेमिंग ऐप्स जिनको पिछले साल बैन किया गया था, अब ये बैकडोर एंट्री से फिर से भारत में ना घुस जाएं, इसको लेकर कानून थोड़ा सा सख्त हो, यही चिट्ठी इन्होंने लिखी थी केंद्र में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के नाम पर, और ये चिट्ठी इन्होंने यहाँ ट्विटर पर शेयर भी करी थी। जैसे ये इशू पब्लिक होता है उसके तुरंत बाद कई गेमर्स ने इस मूव की आलोचना करी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गेम बैन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर गेमर है जिसका नाम है पारस सिंह, ही रन्स ए यूट्यूब चैनल, गेमिंग चैनल है इनका। तो पारस ने ये कहा कि ये होते कौन है इस तरह की बातें कहने वाले, कई डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किए गए जो मैं अभी यहाँ पर वापस नहीं बोलना चाहता। मेनली इन्होंने ये शब्द कहा था जो बिल्कुल ही गलत था, कि निनोंग एरिन शक्ल से भारतीय लगते ही नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कि ये कहीं चाइना से आए हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। और ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है मैप पर, उन्होंने लिटरली उस वीडियो के अंदर भारत का नक्शा दिखाया, अरुणाचल प्रदेश दिखाया, एंड देन ही सेज दैट ये भारत का हिस्सा नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से ये ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपनी, बट दैट इज व्हाट ही सेड इन दैट वीडियो, कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है और निनोंग एरिंग भारतीय नहीं लगते। तो पहली बात तो ये फैक्चुअली गलत है, और दूसरा ये एक बहुत ही इग्नोरेंट कमेंट है,
आप अपने खुद के देश की ज्योग्राफी इतिहास से वाकिफ नहीं है, आप अपने ही देश के इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को दूसरे देश का बता रहे हैं, तो ये गलत भी है, इग्नोरेंट भी है और साथ ही साथ कानूनन अपराध भी है। तो इनके इस वीडियो से अरुणाचल प्रदेश के लोग ऑब्वियसली बहुत नाराज़ हुए। निनोंग एरिंग ने उस वक्त ये भी कहा कि ये बहुत ही कॉमन रहा है, पहले लोग हमें फेस पर कहा करते थे, इस नागा गोरखे चीनी इस तरह के शब्द हमें कहते थे, रेसिस्ट कमेंट करते थे, अब ऑनलाइन करने लगे हैं। लेकिन ये घटना इतनी शांत नहीं हुई जल्दी, इसको लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खंडू, उन्होंने भी ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है और हम कानूनन एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे राज्य के एक एमएलए के खिलाफ ये टिप्पणियां करी गई है। तो इन्होंने केस दर्ज कराया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने केस दर्ज करवाया पारस के खिलाफ, और ये जो केस जब दर्ज होता है तब अरेस्ट किया गया यूट्यूबर पारस सिंह को, एंड देन ही वॉज ब्रॉट टू अरुणाचल प्रदेश। तो 27 मई को इन्हें अरुणाचल प्रदेश की पुलिस जो है वो लेकर आती है लुधियाना से अरुणाचल प्रदेश, और इनको 6 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो इनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं, एक तो सिडिशन देशद्रोह, दूसरा प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एंड अदर ओके सेक्शंस ऑफ कस्टडी अभी मिली आईपीसी। है, तो मतलब काफी हो सारी सकता कानूनी है। धाराओं के तहत इन पर केस किया गया है और अभी ये फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन ये इंसिडेंट कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये एक ओवरऑल अंडरलाइंग प्रॉब्लम को दर्शाता है। प्रॉब्लम ये है कि भारत के लगभग सभी हिस्सों के लोग, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के लोग हों, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, ना ही उन्हें वहाँ की मेन ज्योग्राफी के प्रॉब्लम बारे में यही ज़्यादा पता है, ना पता ही ही उनको नहीं। वहाँ के इतिहास के बारे में पता है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, उन्होंने कहा कि ये इग्नोरेंस है, बेसिकली पारस वाला इंसिडेंट जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ एन इग्नोरेंस। उन्हें पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब भारत में कैसे उसका हिस्सा है, ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का हिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं पता पारस जैसे एक आम आदमी को, लेमैन को। हाँ, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है उसके बारे में, जैसे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको पता होगा, लेकिन एक आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्कूल की किताबों में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए ये स्टूडेंट यूनियंस अब डिमांड कर रहे हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की किताब, जो देश के कई स्कूलों में CBSE बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसमें उत्तर पूर्व भारत के इतिहास में के बारे में एटलीस्ट एक चैप्टर तो ऐड किया जाए, मैंडेटरी चैप्टर हो, जो वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में, इतिहास संस्कृति के बारे में दर्शाए। तो इससे कम से कम थोड़ी इग्नोरेंस कम होगी। तो इस मुहिम को कई सेलिब्रिटीज़ भी सपोर्ट दे रहे हैं और इन्होंने भी कहा है कि NCERT में डेफिनेटली इस प्रकार का सिलेबस में एक चैप्टर ऐड होना चाहिए। और एक बात इनकी बहुत सही लगी मुझे, मतलब किसी ने कि ये हमने ट्विटर पे मराठा लिखा था, वी में हैव रेड पढ़ा अबाउट द है, मराठा महाराष्ट्र के किंग्स लोगों ने बट हमारे व्हाई किंग्स इजंट पढ़ा है, महाराष्ट्र रीडिंग अबाउट आर किंग्स। आर किंग्स का मतलब है कि उत्तर पूर्व भारत के राजा। मैं आप लोगों को मराठा चैलेंज किंग के देता हूँ बारे जो में ये हमने वीडियो पढ़ा देख है, रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों ने क्या हमारे किंग के आप बारे में। मुझे अहोम बहुत सही राजाओं बात में है, दो राजाओं के नाम बता सकते हो? आप लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको अहोम डायनेस्टी के बारे में पता होगा, बट कैन यू नेम टू अहोम किंग्स राइट नाउ विदाउट गूगलिंग? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा, ये आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है। और एमएलए निनोंग एरिंग ने एक मुझे बहुत भी नहीं अच्छी बात कही पता, कि हमारे अब जो सुना है पर राज्य नाम के याद लोग नहीं। हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, इन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी है, बहुत सारे सैनिक देश के लिए लड़ रहे हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हैं। उत्तर पूर्व भारत ने कई फेमस प्लेयर्स दिए हैं भारत को, मैरी कॉम हो, हिमा दास हो, इसके बावजूद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को ये भेदभाव सहना पड़ता है। और COVID-19 पैंडेमिक आने के बाद तो ये भेदभाव और बढ़ गया है, क्योंकि देखो वो चाइनीज लोगों के साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है वो इनडायरेक्टली लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। कई जगह देखा गया है भारत में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लोगों ने कहा कि अरे तुम्हारे कारण कोरोना आया है, तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। और वर्बली ही नहीं बल्कि कई बार फिजिकल असॉल्ट भी हुए हैं और लोगों की जान भी गई है इस भेदभाव के कारण। 2014 में दिल्ली में एक अरुणाचल प्रदेश के छात्र निदो तानियाम पर हमला हुआ था, कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी। ये काफ़ी उस समय केस मीडिया में आया था, लेकिन इनकी हत्या करने वाले लोगों को सज़ा कई सालों बाद हुई। फाइनली 2019 में सज़ा हो चुकी है, 4 लोगों को कन्विक्ट किया गया और इनकी हत्या केवल इस बेसिस पर करी गई थी क्योंकि ये अलग दिखते थे। तो ये वाला पूरा मामला था। तो आई होप कि इस कैंपेन के माध्यम से NCERT सुने और सरकार सुने और एक चैप्टर ऐड करे नॉर्थ ईस्ट के हिस्ट्री के ऊपर। मुझे भी लगता है डेफिनेटली ऐड होना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब NCERT पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ उसके चैप्टर्स, तो वहाँ पर उत्तर पूर्व भारत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। और ये चैप्टर्स जो हैं ये 10th और 9th के NCERT में ऐड होने चाहिए, क्योंकि 11th 12th में तो लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो कॉमन किताबें जब तक है तब तक ये चैप्टर्स ऐड हों। ठीक तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, इसमें आप हिस्सा लेकर अपना UPSC प्रीलिम्स। बिल्कुल सही कहा कि 9th और 10th दोनों क्लासेस में ना थोड़ा थोड़ा करके नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो है पढ़ाना चाहिए। और एक बात ये भी सही है कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा हिस्ट्री और कल्चर है वो बहुत बहुत ज़्यादा है,
बहुत डाइवर्स है, तो एक चैप्टर में ख़त्म ख़त्म कर पाना पूरे नॉर्थ ईस्ट को तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में से डिवाइड करके जो है मतलब ये पढ़ाना चाहिए कि क्वेश्चन एड के बारे में। वो 9th में जो है पढ़ा दो और जो स्टेट जो है बच गई है उनको 10th में जो है पढ़ा दो, जैसे भी करके, पर अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और एक एक बात इस वीडियो से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सारे इंडियंस को पता ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तभी इतना जो है रेसिज्म जो है लोगों को, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि भाई वहाँ का जो है कल्चर कैसा होता है या फिर वहाँ के लोग कैसे होते हैं। अगर आप यूपी बिहार या फिर किसी भी स्टेट के बिल्कुल गांव में जाओगे और उनसे पूछोगे तो आई एम डैम श्योर कि वहाँ के जो बुज़ुर्ग होंगे ना तो उनको तो कुछ हुआ ही नहीं पता, और जो बच्चे होंगे तो उनको भी कुछ खास नहीं पता होगा। शायद किसी ने थोड़ा बहुत सुना हो देखा हो पर कुछ खास उनको नहीं होगा। तो सारा का सारा दिक्कत यही है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो बुक्स में डालना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि बॉलीवुड भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। कुछ ऐसी फेमस सी जो है मूवीज़ बनाए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब एक्टिंग करने का मौका दें, अपनी जो हिंदी फिल्म्स होती हैं तो वहाँ से भी काफ़ी अवेयरनेस फैलेगी। तो एक जो टीवी है वहाँ से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैल सकती है। तो बॉलीवुड को चाहिए कि भाई मतलब उनकी एक सोशल ड्यूटी बनती है कि इस पूरे टॉपिक के बारे में उनको कुछ करना चाहिए, कोई मूवी बना दें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो है काम दें। क्योंकि जब फिल्मों में हम नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोगों को तक मैसेज पहुँचेगा, ज़्यादा लोग समझेंगे कि हाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग जो होते हैं क्या होते हैं, कैसा कल्चर होता है। और ये जो वीडियो है इनको इसको जो डॉक्टर महिपाल सर की जो वीडियो है इसको फैला दो भाई, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो है पर्सनैलिटीज़ हैं उनको जो है ट्विटर पे या फिर इंस्टा पे टैग करो, और इसको इस टॉपिक को जो है दबने मत दो, हॉट टॉपिक बनाओ। इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक बनाओ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक जो है बात पहुँच जाए। एक बार मोदी साहब तक जो है बात पहुँच गई तो कुछ ना कुछ हो जाएगा पक्का। तो एकदम इतना ज़्यादा वायरल कर दो ना इसे ट्विटर पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद इस पे जो है ध्यान देना शुरू कर दे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक के बारे में।